हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जर्नल। जर्नल में हमने ऑलरेडी दो सम्स देख लिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व, सॉल्व एग्जांपल नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसके आंसर्स नहीं है, उसके हमने ऑलरेडी दो सम्स देखे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक नया कंसेप्ट सीखना है। GST, जीएसटी तो आपने बहुत सुना है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, इसको डिटेल में आज हमको स्टडी करना है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जीएसटी इंडिया में कब आया? जीएसटी इफेक्टिव फ्रॉम 1st July 2017। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, जीएसटी बच्चे लोग कब आया था, 1st जुलाई 2017 में पहली बार इंडिया में बच्चे लोग जीएसटी आया था। जीएसटी इज कलेक्टेड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना जीएसटी दोनों कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करते हैं। इसलिए जीएसटी, देखो नेक्स्ट चेंज है, जीएसटी इज कलेक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हेंस देयर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी, हेंस देयर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करता है जीएसटी, उसको वो बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और स्टेट जो चार्ज करता है उसको वो बोलता है एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप लिख सकते हो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st July 2017, आप लिख सकते हो बच्चे लोग। जीएसटी इज कलेक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए दो तरह का जीएसटी है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। जब परचेज करेंगे, थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फॉर परचेज इनपुट जीएसटी वर्ड इज यूज, क्योंकि परचेज करते हैं तो हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इनपुट जीएसटी। और सेल्स करेंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आउटपुट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी मैं आपको सब में बता पाऊंगा, ओके। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, 1st July 2017 को जीएसटी आया, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता है, इसलिए दो तरह का जीएसटी होता है, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। सीजी मतलब सी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। परचेज होएगा तो कौन सा वर्ड है, इनपुट सीजीएसटी, एंड सेल्स रहेगा तो कौन सा वर्ड है, आउटपुट सीजीएसटी। वो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा, सब में आज ही सब में देखेंगे। अब जीएसटी के अलग अलग रेट है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, ये जो भी रेट मैं बोल रहा हूं वो आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगा। 0% किसके लिए, एसेंशियल कॉमोडिटीज, मतलब जो जरूरत है, फ्रूट, वेजिटेबल, नमक, ये सब जरूरी, ईटीसी, जो भी जरूरी प्रोडक्ट है उन पे गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया। 5% किस पे लगता है, कॉमनली यूज, जो हर कोई यूज करता है, एलपीजी, एलपीजी समझता है, सिलेंडर, टी, कॉफी, स्वीट, इस पे जीएसटी कितना है, 5%। 12% किसमें, कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, ईटीसी, मैंने कुछ एग्जांपल दिया, उस पे जीएसटी कितना है, 12%। 18% किसमें, मोस्ट ऑफ द, बाकी सब पे नॉर्मली कितना, 18%, परफ्यूम, सीसीटीवी, कंप्यूटर, ये सब पे कितना, 18%, लैपटॉप भी आ गए। और 28% लग्जरी आइटम्स, मतलब मोटर कार, एसी, वॉशिंग मशीन, उस पर कितना लगेगा, 28%। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बोला है, 0%, 5%, 12%, 0, 5, 12, 18 और 28, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। आपको फिलहाल क्या याद रखना है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कब आया, 1st जुलाई 2017 को आया। और आपको क्या रखना है, दो तरह का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करेगा उसको सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
स्टेट गवर्नमेंट जो चार्ज करेगा उसको क्या बोलेंगे, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परचेज करते वक्त जो जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। बराबर, सेल करते वक्त जो जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। सेल मतलब जा रहा है, परचेज मतलब आ रहा है। ओके, इधर तक समझा? सब में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए, अब आपके सामने होना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। पहला रिसीव मई 2019 में पहली तारीख। अब आपको पता है ऊपर दो लाइन क्या लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर, ये आपको लिखना है। पहला रिसीव 5000, रिसीव मतलब पैसा आया, फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। राम ने हमको पैसा दिया, पर किसके बिहाफ पे दिया, भरत के बिहाफ पे। तो पैसा आया, तो पैसे में हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू राम नहीं लिखा, क्योंकि राम ने पैसा भले दिया पर किसके बिहाफ पे दिया, भरत। तो इसलिए हमने इधर क्या लिखा, टू भरत, भरत पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। बच्चे लोग समझते हैं। फोर्थ एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। वो सेम एंट्री है इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे नहीं लिखा। परचेज गुड्स फॉर कैश का एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट क्या, एट पेड फॉर सैलरी, पेड मतलब पैसा गया, और कौन सा अकाउंट आएगा, खर्चे का नाम सैलरी। एंट्री क्या आएगा बच्चे लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बच्चे लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे खरीदा और गुड्स खरीदा, कौन सा अकाउंट डेबिट रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, उधारी पे खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और गणेश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, कि पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमको उधारी पे गुड्स किसने दिया, गणेश ने दिया। सबको इतना समझता है बच्चे लोग। ओके, आगे सोल्ड गुड्स टू मिस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, वैसे गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट। उधारी पे बेचा, किसको बेचा, मिस नेहा को। टेंटी क्या आएगा, मिस नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन क्या, फिर से सोल्ड गुड्स ऑफ जो भी है टू मिस नेहा ऑन क्रेडिट। तो अपना जर्नल एंट्री क्या आएगा, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नेहा अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, नेहा पर्सनल अकाउंट है बच्चे लोग, डेबिट द रिसीवर। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इधर तक आपको समझता है, सेम एंट्री। अब 20 वाला इंटरेस्टिंग एंट्री, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 80,000 एट 12% जीएसटी एन अमाउंट पेड बाय चेक। अब इस पे ध्यान देना बच्चे लोग, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना। परचेज मशीनरी, तो हमने असेट खरीदा, तो हमारे पास मशीनरी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास मशीनरी आया, तो मैंने मशीनरी अकाउंट डेबिट किया, डेबिट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, 80,000 का मैंने असेट खरीदा, उस पर 12% जीएसटी है। अभी क्वेश्चन में जो भी जीएसटी का रेट दिया रहेगा ना, उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, क्योंकि मैंने बोला दो तरह का जीएसटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का। और मैंने आपको क्या बोला, परचेज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट। अब सुनो, तो इनपुट 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 सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सही है, डिवाइड दो पार्ट में क्यों किया, क्योंकि आधा स्टेट गवर्नमेंट का आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का। परचेज करेंगे तो क्या रहेगा, इनपुट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट।
अब ये 80,000 का 6%, 6 × 8 = 48, सबको समझता है? 6% समझा कहां से आया? तो 80,000 का 6% निकालोंगे तो 4,800, बच्चे लोग समझता है? ओके, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, परचेस कर रहा हूं तो मेरे लिए जीएसटी भी खर्च है। सुनो, प्रैक्टिकली सुनो, मैं दुकान में गया, मैंने 80,000 का असेट लिया, उस पर 12% और ऐड हो गया, 12% क्या ऐड हुआ? जीएसटी बिल ऐड करके मुझे पैसा देना, तो टोटल तीनों मिला के मुझे पैसा कितना देना पड़ा? 89,600 और अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब मेरे जेब से पैसा गया। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, आप होटल में गए, बिल आया 1,000 रुपया, 18% जीएसटी है, तो 1,000 का 18% कितना होता है? 180, तो अब आपके जेब से पैसा कितना जाएगा? 1,180। उसमें अगर आप डिवाइड करो तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, मतलब 9% मतलब 90 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का 90 रुपया स्टेट गवर्नमेंट, तो तुम्हारे जेब से टोटल कितना गया? 1180। आपको समझता है सबको बच्चे लोग? हाँ, जीएसटी, जीएसटी के दो टाइप है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। परचेस करेंगे तो हमारे लिए जीएसटी एक खर्चा है, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी। ये जीएसटी के आगे सी और एस लग गया, सी मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट, ये तीनों एट द एंड तो दोनों अपने लिए खर्चा है। और फाइनली 80,000 और ये जीएसटी टोटल मिला के मेरे जेब से पैसा कितना गया? 89,600। ये याद रखना, परचेस करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, जो भी रेट रहेगा उसको दो पार्ट में बच्चे लोग क्या करना है? डिवाइड करना। मशीनरी रियल अकाउंट मेरे पास आया और ये दोनों मेरे लिए खर्चा है, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बैंक मेरे बिहाफ पे पैसा देगा। बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये एक इंटरेस्टिंग एंट्री था। नेक्स्ट, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक। पेड मतलब मेरे पास से पैसा गया, किसको मिला? एसजी एंड सन, एसजी एंड सन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, एसजी एंड सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेरे पास से पैसा गया। समझा? नरेश सिंह कहेगा बीइंग पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक, रिसीव कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। ए, रिसीव मतलब पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, और जो इनकम है उसका नाम क्या? कमीशन। तो एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन क्रेडिट क्यों हुआ? नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जर्नल एंट्री क्या बना बच्चे लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। किसी किसी को डाउट होता है, सर गणेश नहीं आया, इंसान का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों पैसा आया, उसका रीजन क्या है? कमीशन। तो एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव फ्रॉम गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेड रेंट। पेड मतलब पैसा गया और खर्चे का नाम क्या है? रेंट। तो जर्नल क्या आएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बराबर बच्चे लोग? अब लास्ट वाला एक इंटरेस्टिंग एंट्री, स्टॉक मार्केट। समझता है? स्टॉक मार्केट में अगर आपने रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर स्टॉक मार्केट का है कुछ भी, आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो हम उसको क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन में आपने शेयर खरीदे, किसके खरीदे? अतुल कंपनी के, मतलब इन शॉर्ट अतुल कंपनी के स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और स्टॉक मार्केट के लिए आपको पता है, बैंक में जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं बच्चे लोग? डीमैट अकाउंट। तो याद रखना, कभी भी कोई कंपनी का हम स्टॉक खरीदेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो इजी आसान एंट्रीज थी वो मैंने पास नहीं की। आपको पता है लास्ट में अपने को बच्चे लोग क्या करना है? टोटल करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, दो नई बातें। एक तो ये जीएसटी वाला कंसेप्ट, कोई भी असेट आप खरीदोगे या गुड्स खरीदोगे, अगर जीएसटी लग रहा है तो परचेज करते वक्त याद रखना इनपुट वर्ड आएगा और सेल्स करते वक्त क्या आएगा? आउटपुट। और जीएसटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सब में मशीनरी 80,000 था तो उसका 12% कितना होता है? 9,600। उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सबको समझता है बच्चे लोग? ये एक नया पॉइंट।
और दूसरा, जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लॉजिक से करो। समझो ये होता, मशीनरी बेचा मैंने तो मेरे पास पैसा आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। समझते हैं? परचेस के टाइम कौन सा वर्ड आएगा? इनपुट। और सेल्स के टाइम कौन सा वर्ड आएगा? आउटपुट। और जो भी रेट रहेगा उसको इक्वली डिवाइड करना है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच। एक बार जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या था? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी के बेसिकली दो पार्ट है, सेंट्रल एंड स्टेट, इसलिए हम क्या बोलते हैं? सीजीएसटी एसजीएसटी। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या था? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, मतलब ये जीएसटी के अलग अलग रेट है। आपके नॉलेज के लिए बताओ, ये पेट्रोल और डीजल जो होता है ना उस पे बच्चे लोग जीएसटी नहीं लगता है। तो इस जर्नल का इसी के साथ हमने थर्ड सम कंप्लीट किया। आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है और सम के आखिरी में बच्चे लोग क्या करना है? टोटल करना है। आज बेसिकली नया क्या सीखा हमने? जीएसटी सीखा। और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डीमेट अकाउंट। स्टॉक मार्केट में कौन सा अकाउंट होता है? डीमेट अकाउंट। पैसा बैंक से जाता है। एक बार आप कॉपी कर लो ये जीएसटी वाली बातें या कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको लगे तो आप लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने थर्ड सम कंप्लीट किया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। ओके, थैंक यू वेरी मच।